इसराइल हमास युद्ध की वजह से पूरा मिडिल ईस्ट अब एक भयानक युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है। हालात इतने विस्फोटक हो चुके हैं कि कभी भी मिडिल ईस्ट में इसराइल के खिलाफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्ला सीधे जंग का ऐलान कर सकता है, और इसकी वजह है लेबनान इसराइल बॉर्डर पर लगातार हिजबुल्ला और इजरायली सेना के बीच गोलीबारी, ड्रोन और मिसाइल हमले। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने उत्तरी इजरायली बॉर्डर पर अल-तहयात हिल पर ईरानी बुरकान मिसाइलों से एक बड़ा हमला किया है। यह हमला लेबनानी शहर मेएस अल-जबाल के दूसरी तरफ है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने अल-तहयात पहाड़ी पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया जो सीधे इजरायली सेना के अड्डे पर जा गिरी। वहीं इजरायली मीडिया ने भी लेबनान की तरफ से अल-मनारा सेटलमेंट की तरफ मिसाइलें गिरने की पुष्टि की है जो ऊपरी अल-जलील इलाके में है। इसको लेकर मेटुला सेटलमेंट काउंसिल के प्रमुख डेविड एजोल ने कहा कि इजरायली मीडिया के मुताबिक आज मेटुला में 650 सेटलमेंट्स में से 130 सेटलर हाउसिंग यूनिट तबाह हो गए हैं, और ये हिजबुल्ला के उत्तर में ऑपरेशन शुरू करने के बाद से हुआ है। एजोला ने इजरायली चैनल 12 से कहा कि हिजबुल्ला के हमलों की डर की वजह से दिन में मेटुला की पूरी गलियों में पैदल नहीं घुमा जा सकता, और सरकारी मंत्रालयों ने हमारे साथ व्यक्तिगत रूप से दुर्व्यवहार किया है। वहीं इसी दौरान इजरायली मीडिया ने भी लेबनान की तरफ से ऊपरी अल-जलील में अल-मनारा सेटलमेंट में मिसाइलें लॉन्च होने की बात मानी है, और इससे एक दिन पहले भी इजरायली अधिकारियों ने स्वीकार किया था कि लेबनान में उत्तरी इलाके में हिजबुल्ला ने बिना बल का प्रयोग करते हुए सेटलमेंट को खाली करा लिया था। वहीं न्यूज एजेंसी अल-मयादीन के मुताबिक हिजबुल्ला ने जो मिसाइलें दागी थी वो मेटुला में बिल्डिंगों और मारवे का टैंक पर जा गिरी हैं। इसराइल का मारवे का टैंक बयाद बिलिदा मिलिट्री साइट पर तैनात था, और इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने दोपहर में एक और हमला किया जिसमें इसराइल के कई जासूसी और मिलिट्री ग्रेड हार्डवेयर तबाह हो गए हैं। यह हमला हनीता मिलिट्री साइट पर हुआ है, और इसके आधा घंटे के भीतर हिजबुल्ला ने एक और हमला किया जिसमें इजरायली सैनिकों के जमावड़े को निशाना बनाया गया। यह हमला मत्तात मिलिट्री साइट के करीब हुआ है, और इसके बाद शाम करीब 3:50 पर हिजबुल्ला ने मेटुला सेटलमेंट में एक बिल्डिंग पर हमला किया जिसमें इजरायली सैनिकों ने पोजीशन ले रखी थी।